अभी यहाँ पर जो हमारी जामिया आज एक गांधी जी की आदमी मना रहे थे और उनके साथ एक वो हमें शांति मार्ग निकालना था जो लेकर हम राजघाट जाना था इन लड़कों को, मगर बीच में ही उससे पहले ही एक लड़का आता है और बंदूक लहराता हुआ था और बंदूक लहराने के बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और वो उनकी सीधी बातें करके वहां पे उस लड़के शहजाद नाम के लड़के के वो गोली मार देता। जो बच्चा हॉस्पिटल में जामिया मतलब होली फैमिली एडमिट में एडमिट है उसके बाद से सारे जामिया स्टूडेंट और जो ओखला का आवाम है वो सब सड़कों पर है। सड़कों पर ना होली फैमिली से पहले हम लोगों ने बैरिकेडिंग पे बैठे, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे ये लड़कियां हैं यहाँ पर जो बेचारी यहाँ बैठी हैं और ये हमारी दिल्ली पुलिस है उसके सामने लड़का आता है, दिल्ली पुलिस के सामने आके वो यहाँ पर गोली चलाता है, एक लड़के को इंजर्ड कर देता है और उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। मैं आपसे कहूँगा कि ये हमारे देश के माहौल को ये जो खराब करने की साजिश हो रही है इसको हम किस तरीके से बचा सकते हैं। हमें देखिए सब लोग सड़कों पर बैठे हैं, सब लोग यहाँ पर सारे स्टूडेंट भी हैं और बच्चे भी हैं और औरतें भी हैं और ज़्यादा तादाद में औरतें हैं, सबके हाथों में झंडे हैं। गांधी जी की आज़ादी मना गांधी जी की धरती मनाने के ऊपर ये अगर हरकत हो सकती है तो देश में कभी भी कुछ भी हो सकता है। गांधी जी ने जो हमें सत्य और अहिंसा का वो दिया था जो है ये पामाल कर रहे हैं आप देख सकते हैं। अभी देखिए मुझे पुलिस वाले भी हैं बेटा। ये बताओ कि जब ये लड़के के चोट लगी तो आप लोग यही थे क्या? हम यही थे। तो कैसे हुआ क्या हुआ है? मुझे तो थोड़ा सा बता दो। ये पता नहीं कौन लड़का है, नाम तो हमें पता ही नहीं, पता नहीं कौन लड़का है जो गोली चला रहा था यहाँ पे आके, हो सकता है इन्हीं का आदमी का बेटा हो कोई गुंडा हो और यहाँ पर ये हमारा पीसफुली प्रोटेस्ट था घाट के लिए जो कि पीसफुली हम लेके जा रहे थे, हमारा स्टार्ट भी नहीं हुआ था प्रोटेस्ट वहाँ पे था। उस बीच में आके इस लड़के ने गोली चलाई और एक लड़के को गोली लगी जो हमें का स्टूडेंट वो होली फैमिली में एडमिट है और उसको जिसने गोली चलाई उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई कौन है, पता नहीं कौन। देखा आपने ये आंखों देखा हाल बता रहे हैं, उसे अरेस्ट कर लिया है मगर अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो कौन है। तो बेटा जब वो लड़के ने गोली मारी तो आप यहीं पे थे क्या? नहीं, हम पीछे थे और हमें मालूम नहीं वो कौन था, कहाँ से आया था, स्टूडेंट से बिल्कुल नहीं था और ना हमारे उसमें था, हमें मालूम नहीं कौन था वो, लेकिन उसकी वीडियो बना ली गई। अच्छा अच्छा। जो भी था हम चाहते हैं कि जो भी हो उसे पुलिस उससे पूछताछ करे और अगर वो मुजरिम है तो उसे सजा दे। चाहे वो जाते हैं ना, हाँ शायद पकड़ लिया हमें मालूम नहीं। हम भाई ये मुझे व्हाट्सएप कर दो नंबर। मैं